हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो 13 तारीख है, 14 महीना 2023, और इस वक्त 3 बज रहे हैं, 7 मिनट हो रहे हैं। आज हम अपना डेली का एनालिसिस सेशन करेंगे। अच्छा जी, गोल्ड में मार्केट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मार्केट इस ये वाली जो लाइन है, ये जो हाई है, इसको मार्केट जो है टेस्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। और मार्केट बहुत करीब उसके आ चुकी है। अभी जरा चेक करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली अभी भी मार्केट में बायर्स मौजूद हैं, बायर्स ही बाय में ही मार्केट जाएगी, ठीक है। ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है, ये वाला एरिया अभी भी रहता है। अच्छा जी, 30 मिनट में देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ये वाला मौजूद है मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और यही हमारा FTR भी है। मार्केट में हमने सिर्फ बाय देखना है, और यहाँ पर बड़ा बारीकी से देखें, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, ठीक है। और इसी मूव से ये दोनों एरियाज लिक्विडेट भी हुए हैं। इसकी मैं आपको कीमत बताऊँ, 2018.72, 2015.53, ठीक है। इस एरिया को आप लोग मार्क कर लीजिएगा बाय के लिए। और सिंपल, अगर मार्केट इसको, इस एरिया को लिक्विडेट करके आती है, या इसको अभी फौरन आती है मार्केट इस रिटेस्ट करने, तो आप यहाँ से आराम से इसी हाई तक, ये यहाँ पे जो भी हाई बनेगा उस तक आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। अच्छा जी, तो ये हमने मार्क किया था लास्ट टाइम, ऑयल दो एरियाज बेसिकली मार्क किया था हमने, दूसरा काम है। मैंने रिमूव कर दिया, ये एरिया मैंने मार्क किया था आपको। इसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट में नीचे की तरफ जो है वो अभी भी काफी ज्यादा क्या कहते हैं, गैप मौजूद है। सिर्फ मार्केट ने इस जगह पे टच किया हुआ, ठीक है। और कि मार्केट ने इसी जगह को लिक्विडेट किया है अगेन, इस पूरे एरिया को, और मार्केट रुकी नहीं है। मैं चूंकि इतना ज्यादा इसको ट्रेड करता नहीं, तो मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं ली। मैंने उस वक्त ली हुई थी यूरो यूएसडी और गोल्ड की जो ट्रेड है, ठीक है, वो मैंने कैच की हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यही वाला स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जरा पहले इसको मार्क कर दें, इसको जरा हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ अवेलेबल है भी या नहीं है। यहाँ पर फेयर वैल्यू की हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये है 81.87, 81.50, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। बेस्ट पॉसिबल एरिया यही है कि मार्केट कहीं से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ऑयल को बहुत ज्यादा ऊपर जाना काफी ज्यादा जो है मार्केट ऊपर गई है। इसका मैंने आपको नहीं बताया, 79.80, 79.34, ठीक है, ये इसका हो गया। H4 में बिल्कुल सही एरिया मार्क किया, H4 में देखिए यहाँ तक है जोन पूरा, ठीक है। H1 में सिर्फ ये शेडो ही मार्क कर सकते हैं,
मैं कर देता हूँ, लेकिन H1 में पूरा एरिया मिलूंगा और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है इस जगह में, ठीक है। और ये सेम स्ट्रक्चर भी है MPL का, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से भी शुरू हुआ है 80.37, ठीक है। BTC भी कर लेते हैं बड़े दिनों में। बिटकॉइन जो है अभी ऊपर जा रहा है मार्केट में, ये एरिया मौजूद है। ठीक है, ये खुद भी एक जोन है, इसलिए मैंने ऊपर वाला ही मार्क किया ही यार। जो है इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ये वाला खुद भी एक जोन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक जोन है जो थोड़ा सा टेस्टेड है, इसलिए दोनों को एक साथ मिला के मैंने यहाँ पे मार कर दिया। इसको मजीद ऊपर जाना है तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल है। अभी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ये जोन बहुत क्वालिटी का बहुत प्यारा जोन है। H1 में अगर हम आए, जैसे ये एरिया भी अच्छा है, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मैं इसको इतना ज्यादा प्रिफर नहीं करूंगा ट्रेड के लिए, ये ज़रा बेहतर एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है ये वाला, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक भी किया हुआ इसी मूव से, जबकि इससे किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन एक इम्बेलेंस की वजह से एक अच्छा एरिया है। इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा 28468, 28168, 29340, 29069, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर दीजिए। और इसका टारगेट यही रहेगा, थोड़ी मार्केट थोड़ी सी वो नीचे आएगी और टारगेट इसका ये वाला रहेगा, ठीक है। जहाँ पर भी कंफर्मेशन मिले आप कर सकते हैं, फ्यूचर से ज़रा दूर रहिएगा। सिर्फ इसलिए मैंने ये बाय में मार्क किया है कि आप लोग जो है वो उसमें ट्रेड कर सके स्पॉट में। ठीक है, तो तीनों हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, फ्राइडे है, आखिरी जुम्मा भी हो सकता है उसका रमज़ान का, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल अगर बिजी नहीं हुए इबादत वगैरह में तो इंशाल्लाह आपसे फिर वीकली एनालिसिस में मुलाकात होगी। वैसे आज थर्सडे ही है ना, थर्सडे ही है ना, यस, ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल या फिर परसों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।